पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज एक वड्डा ऐलान किया गया कि पंजाब दे विच जिहड़े देश ही नहीं बल्कि विदेशां तों वी वड्डे पद्धर ते जिहड़े निवेशक आउणगे हुण तक जिहड़े पंजाब सरकार दे नाल जिहड़ा कंपनियां दे नाल समझौता आया वह करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा तो 40,000 करोड़ का जिहड़ा निवेश होगा वो पंजाब दे विच 2.5 लाख लोगों नूं रुजगार भी मिलेगा। मतलब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश नाल 2.5 लाख लोगों नूं मुंडे कुड़ियां नूं पंजाब दियां नूं उन्हां फैक्ट्रियां दे विच रुजगार भी मिलेगा। हालांकि 23 ते 24 फरवरी नूं पंजाब दे विच बिजनेस सम्मेलन हो रहा मोहाली विखे, लेकिन उस तो पहला 40,000 करोड़ करीब समझौते हो चुके ने। यह अज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहला जिहड़े समझौते होंदे रहे ने वो दो परिवारों के नाल समझौते होंदे रहे, लेकिन हुण जिहड़े समझौते ने वो 3 करोड़ पंजाबियों के नाल समझौते हो रहे हैं, क्योंकि साड़ी नीयत साफ आ। कुल किन्ने करोड़ का निवेश हो चुका पंजाब सरकार नाल समझौते हो चुके ने, ते केड़ी केड़ी कंपनी किन्ना किन्ना वो पंजाब च निवेश करेगी ते किन्ने रुजगार पैदा किए जा रहे ने, ये खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुलासा किया। जिहड़ी इंडस्ट्री जब तक पंजाब चो चली गई दुखी होकर पुरानियां सरकारां दे वतीरियां तो जां उन्हां दियां बेरुखियां करके इत्थे आए ही नहीं, एक दो बारी आए पर तंग परेशान होकर वापस चले गए, उन्हां नूं वापस लेके आवांगे ये वादा भी असीं कीता सी। मैं खुद चेन्नई उन्होंने जिहड़े उत्थे जिहड़े चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े बड़े उन्होंने मिलके आया, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, जर्मनी, दिल्ली, तो पंजाब दे विच जिहड़े पंजाब दे विच ऑलरेडी मौजूद ने इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हां च मोहाली दे इंडस्ट्रियलिस्ट आले दुआले दे मोहाली दे आले दुआले कस्बिआं दे लुधियाणे दे जलंधर दे अमृतसर दे पठानकोट। सब तो पहला मैं तुहानूं इह दसना चाहुंना कि हुण तक 10 महीनों दे विच जिहड़ी इनवैसटमेंट आई है ₹38,175 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्हें सानू 38,175 करोड़ रुपए का जिहड़ा निवेश है वो पंजाब च आ रहा है, जिहदे नाल 243,148 सो फार 38,175 करोड़ की जिहड़ी इनवैसटमेंट आई है, जिहदे नाल 2,43,248 इन्नी इंप्लायमेंट जनरेशन होगी, रोजगार इन्ना इन्ने लोगों नूं मिलेगा, चाहे देश दियां चाहे विदेश दियां केड़ियां केड़ियां कंपनियां पंजाब च निवेश करन जा रहियां ने, केड़े केड़े सैक्टर च निवेश होएगा, किहड़े किहड़े सैक्टर च जिन्ना निवेश होगा उन्हां कंपनियां दे विच किन्ने लोगों नूं रुजगार मिलेगा, यह भी जिहड़ी जानकारी आ मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दित्ती गई। रीयल स्टेट ते हाउसिंग च ते इंफ्रास्ट्रक्चर च सब तो वध 11,853 करोड़ जिहदे नाल प्रपोज्ड इंप्लायमेंट जिहड़ी है 1,22,225, मैनुफैक्चरिंग दे विच 5,981 करोड़ लगभग 6,000 करोड़ लगा लो, ते इंप्लायमेंट जिहड़ी है रोजगार मिलेगा 39,952, मैनुफैक्चरिंग च 5,981 करोड़ उहदे नाल रोजगार मिलेगा 39,952 39,952 जिहड़े रोजगार जनरेट होगा। और आई स्टील एंड स्टील ये 3,899 जानी कि 3,890 करोड़ रुपये का इनवैसटमेंट आ गई,
9257 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। 9257 ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੇਡ ਅਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, 13753 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂ। ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਬੀਵਰੇਜ 2854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 16638 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2157 ਕਰੋੜ, 4510 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ SAS ਨਗਰ 9794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ 68061 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ 9319 ਕਰੋੜਸ, 33172 ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 13840 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 4079 85419 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ 2821 9927 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 3172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਹੈ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਗੈਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੈਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨਾਥਨ ਪੋਲੀਕੋਟ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ, ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਈਏ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ LNT 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਪਨ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਟੋਪਨ ਇਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਲਾਉਣਗੇ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨੈਸਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 423 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮੋਗੇ ਹੈਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ, ਆਈਚੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਧ ਨਾ ਕੰਧ। 38 ਏਕਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਵੋ ਟੈਕਨੋ ਬੇਵੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਵੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ SAS ਨਗਰ IT ਸੈਕਟਰ ਓਬੀਅਸਲੀ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ। HUL ਹੁਲ ਇਹ UK ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 281 ਕਰੋੜ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇਹ USA ਦੀ ਹੈ, 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ 'ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
70 फीसदी जिहड़ा उद्योगपति ने जिहड़े दुनिया के हर कोने विच बैठे ने वह संबंध उन्हां दा पंजाब नाल उह पंजाबी ही ने पर किसी ने पहला उन्होंने हाक नहीं मारी जे हाक मारदे सी तो पहला उन्हां परिवारां दे नाल समझौता हुंदा सी लेकिन पहली दफा पंजाबियों के नाल समझौता हो रहा 3 करोड़ पंजाबियों के नाल समझौता होएगा क्योंकि साड़ी सरकार की नीयत साफ आ तुसीं लाओ भी 70% 80% दा बैकग्राउंड ही पंजाबी है वो आना चाहते पंजाब पर कहते सानू किसी ने बुलाया ही नहीं इन्ने प्यार ना पहला कदे पहला जदों आउंदे सी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मैं नहीं कहता कि पहला आउंदे ही नहीं सी आउंदे सी पहला जदों आउंदे सी तां पंजाब दे 2 परिवारां चों 1 परिवार राज च हुंदा सी एमओयू 1 परिवार नाल ही करना पैंदा सी कि सानू किन्ना दिंदे हो जी इंडस्ट्रियलिस्ट चला जाता सी अज दे इस जमाने च प्रॉफिट चो हिस्सा मंगोगे 20% 25% कौन दे दूगा जी पर जेड़े हुण आए ने ते 23-24 तरीक तो बाद आउणगे ओह एमओयू किसी एक परिवार नाल नहीं पंजाब दे 3 करोड़ पंजाबियों नाल एमओयू होगा उन्हां दे रोज़गार वास्ते पंजाब की खुशहाली वास्ते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि कई पार्टियां विरोधी कह रहे कि पंजाब च कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उन्होंने कहा कि जेड़े लोगों ने हुण निवेश करन वास्ते पंजाब दे नाल समझौते कर रहे हैं इस गल की गवाही भरते हैं कि पंजाब च कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत समर्थ आ ते ना ही असी जेड़े गैर समाजिक अंसर आ उन्होंने ना ही कोई पोलीटिकल तौर पर उन्होंने कोई पालना कर रहा जेड़े लोग यहो जे गैर समाजिक अंसर का गुंडा किस्म के अंसर का साथ देंदे सी उन्होंने लोगों ने घर में बिठा दिता पंजाब च माहौल बहुत वधिया इन्हां कंपनियां दा इत्थे आउणा अपने आप च एक तुहाडे सवाल का जवाब है कि लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा वो सुधार हो रहा उहदे च बहुत चिर पहलां तो बिगड़िया होया सी असी कोई माफिया नहीं बन देना किसी भी किस्म का ना ही असी कोई किसी गैंगस्टर नूं जां किसी गैर समाजिक तत्त नूं कोई पोलीटिकल संरक्षण देना है पोलीटिकल कोई उन्होंने शह नहीं देनी असी नहीं कोई गैंगस्टर पालन वाले वो जिहड़े गैंगस्टर पालदे सी कोई इन्हां दा सी कोई उन्हां दा सी वो सारे लोगों ने घर बिठाते ते असी जिहड़ी पंजाब पुलिस इन्नी सक्षम है कि उन्होंने हर रोज़ गैंगस्टर बड़े बड़े फड़े जा रहे हैं तो गैंगस्टर जिहड़े ने तो ड्रग भी फड़ी जा रही है हथियार भी फड़े जा रहे हैं बॉर्डर स्टेट है असी सेंटर नाल भी मिलकर चल रहे हैं हुण सब तो वड्डी गल कि पंजाब दे विच हुण 23 ते 24 फरवरी नूं आम आदमी पार्टी की सरकार च एक बिजनेस सम्मेलन हो रहा करीब 40,000 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री ने आप दसे ने कि समझौते हो चुके हैं तो 23-24 फरवरी नूं जिहड़ा बिजनेस सम्मेलन होएगा उहदे च होर लखां करोड़ां दे भी जिहड़े समझौते होणगे पर सवाल इत्थे इह वी आ कि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेले भी 2.25 लाख करोड़ के समझौते होंदे रहे लेकिन ग्राउंड लैवल ते नहीं कामयाब होंदे रहे मुख्यमंत्री जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सी तद भी कागजां दे विच बहुत वड्डे वड्डे समझौते हुए से लेकिन ग्राउंड लैवल ते कोई बाद च धरातल ते कोई अजिहे समझौते देखण नूं नहीं मिले हुण खैर मंगी जा रही है पंजाब दी पंजाबी पंजाब दी सरकार तों कि जे हुण भगवंत मान हुण कोशिश कर रहे ने करीब 40,000 करोड़ रुपए दे उन्हां ने समझौते गिना दिते ने 23-24 फरवरी नूं होर लखां करोड़ां दे समझौते हो सकदे ने इस आस दे नाल उम्मीद करनी बनती हैगी कि जिवें पहलियां सरकारां दे विच सिर्फ कागजां दे विच ही समझौते हुंदे रहे ने किते 23-24 फरवरी नूं कागजां च भावें समझौते हो जाण क्योंकि कागजां च लिखण पढ़न दा काम हुंदा लेकिन बाद च ग्राउंड लैवल ते भी समझौते दिखणे चाहीदे ने जिहड़े आपस दे विच एमओयू कीते हुंदे ने सवाल इत्थे मैमोरेंडम ऑफ अंडरसटैंडिंग दा नहीं आ सवाल इत्थे मैमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट दा कि जे उद्योगपति ते सरकार दी आपसी च कोई वचनबद्धता है कमिटमेंट आ ते लाजमी तौर ते ओ ग्राउंड लैवल ते काम कारज निपटे चढ़ जांदे नहीं ते फिर अजिहे प्रोजैक्ट ते निवेश कागजां च ही रह जांदे ने पर उम्मीद करदे आ कि इस वार कागजां च नहीं ग्राउंड लैवल ते जिहड़े समझौते ओ दिखणगे निवेश भी होएगा पंजाब ते लोकां नूं रुजगार भी मिलेगा फिलहाल ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਧੰਨਵਾਦ